Hello everyone, welcome to the session of renewable energy, water and soil conservation and food grain processing. बात करते हैं उन एनर्जी सोर्सेज के बारे में जो कि रिन्यूएबल हैं, क्योंकि हमारी जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं लिमिटेड हैं और एग्रीकल्चर में बहुत सारे ऑपरेशंस में एनर्जी की ज़रूरत होती है. अगर इसी तरह से नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज को यूज़ किया जाता रहा तो बहुत असेंशियल ऑपरेशंस के लिए हमारे पास में वो रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे. इसलिए आजकल के समय में ये बहुत ज़रूरी है कि हम ऐसे रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करें और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें. आइए शुरू करते हैं. These energy resources can be classified differently. About 70% of India's energy generation capacity is from fossil fuel, with coal, fossil fuel कहा जाता है coal को, accounting for 40% of India's total energy consumption, followed by crude oil and natural gas at 24% and 6%. यानी कि 70% जो कि फॉसिल फ्यूल से आती है, जिसमें सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है कोल और उसके बाद में क्रूड ऑयल और फिर आपका नेचुरल गैस जो आपका एलपीजी गैस है. बेसिकली एनर्जी कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स. दो तरह की एनर्जी हो सकती है, एक पोटेंशियल एनर्जी होती है और एक होती है काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी जिसमें मूवमेंट की वजह से, मूवमेंट रिस्टोरेशन की वजह से जो है एनर्जी होती है, और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो पोटेंशियल डिफरेंसेस की वजह से होती है. डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आर देयर इन द एनवायरनमेंट. दीज आर केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, स्टोर्ड मैकेनिकल एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी, रेडिएंट एनर्जी, थर्मल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मोशन एनर्जी और लाइट एनर्जी. तो इन सभी एनर्जीज को एफिशिएंटली यूज करना ही एनर्जी मैनेजमेंट है. सो दीज एनर्जी रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरीज एंड दिस थर्ड कैटेगरी इज द न्यू वन. अर्लियर दीज रिसोर्सेज वर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज ओनली. वन इज नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी और द कन्वेंशनल सोर्सेज विच इंक्लूड्स कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, थर्मल पावर, हाइड्रो पावर एंड न्यूक्लियर पावर. एंड देन द रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी विच इंक्लूड्स सोलर फोटोवोल्टिक एनर्जी, विंड एनर्जी एंड हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स. The new resources of energy includes tidal energy, ocean waves, OTEC, ocean thermal energy conversion. इसकी फुल फॉर्म क्या रहेगी? Ocean thermal energy conversion. Then tar sand, peat, oil shale, coal tar, geothermal energy, drought animals and agricultural residues जिनको अब bioethanol बनाने के इस्तेमाल में लाया जा रहा है. And there are biodiesel crops also. Biodiesel, जो आपकी biodiesel crops हैं, जैसे कि आपकी है जेट्रोफा. जेट्रोफा है, इसके सीड से जो ऑयल बनता है वो फ्यूल एनर्जी उसके अंदर होती है और इसको एज अ फ्यूल यूज किया जा सकता है. The photovoltaic cells, or known as PV cells, they use solar energy to generate chemical reaction that produces electricity in a solar panel. Each cell contains a semiconductor, most commonly silicon, in one of the several forms, जो कि हो सकती हैं single crystalline, multi crystalline, or thin layer. With impurities either boron or phosphorus diffused throughout and is covered with a
सिल्स्क्रीन। विंड एनर्जी की अगर हम बात करें तो इट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग अल्टरनेटिव एनर्जी टेक्नोलॉजी ऑफ द फ्यूचर। द न्यू विंड मिल्स आर नोन एज विंड टर्बाइंस एंड दे अपीयर्ड इन डेनमार्क एज अर्ली एज 1890। विंड एनर्जी का एक फायदा है कि जब सर्दियां होती हैं या क्लाउडी वेदर होता है या फिर रेनी टाइम होता है उस समय सोलर एनर्जी अवेलेबल नहीं होती। ऐसे समय पर भी विंड एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा सकती है, उसको एक एनर्जी सोर्स यूज किया जा सकता है। और वो जगहें जहाँ पर कोई और क्रॉप नहीं हो सकती, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता बिल्डिंग का, उन जगहों को विंड एनर्जी प्लांट लगाकर या सोलर एनर्जी प्लांट लगाकर इफेक्टिवली यूज़ किया जा सकता है। द विंड टर्बाइंस यूज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द विंड एंड कन्वर्ट दैट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी व्हिच इन टर्न कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी बाय मीन्स ऑफ अ जनरेटर। There are essentially two types of wind turbines, the horizontal axis variety or the vertical axis design. फिर आती है geothermal energy. Geothermal energy is one of the only renewable energy sources not dependent on the sun. Instead, it relies on heat produced under the surface of the earth. Now comes the biomass, which can also be used as renewable energy source. Biomasses which are produced by animals and the plants, and with the compression or combustion or digestion or fermentation or pyrolysis process and various catalyzed reaction, it can be converted into energy, into electricity. Electricity is generated in many places through this solid fuel combustion. जैसे कि woods को आप जला के और उससे steam generate कर सकते हो और उसके बाद में उस steam से किसी engine को run कर सकते हो। इस तरीके के कई ऐसे boilers होते हैं जिनमें fuel energy को use किया जाता है। नेक्स्ट रिन्यूएबल सोर्स है बायोगैस। बायोगैस इट इज अ मिक्सचर कंटेनिंग 55-60% मीथेन। बायोगैस का इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है मीथेन एंड 30-40% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड द रेस्ट बीइंग द इम्प्योरिटीज इंक्लूडिंग हाइड्रोजन गैसेस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैसेस एंड सम नाइट्रोजन गैसेस। इट कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल, प्लांट एंड ह्यूमन वेस्ट। तो बायोगैस प्लांट आपका स्मॉल भी हो सकता है, लार्ज भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ वेस्ट। इट इज अ क्लीन बट स्लो बर्निंग गैस। ये जो गैस इससे निकलती है बायोगैस, ये साफ तो होती है, हाउस होल्ड पर्पज के लिए, कुकिंग पर्पज के लिए यूज की जा सकती है, बट स्लो बर्निंग होती है एंड यूजुअली हैज अ कैलोरीफिक वैल्यू बिटवीन 5000-5500 किलो कैलोरीज पर केजी। It can be used directly in cooking, reducing the demand for firewood. Next we have the post-harvest processing technology. अब जितने भी आपके food crops हैं, fruits हैं, vegetables हैं, उनको किसी ना किसी तरह के post-harvest processing की ज़रूरत होती है। Crop की harvesting कर लेना ही काफ़ी नहीं है, उसे एक्चुअल मार्केटेबल फॉर्म में लाना जो कि कंज्यूमर के यूज़ में आने वाली है, दैट ऑल इंक्लूड्स इन पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी और द पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। इट रेफर्स टू द प्रोसेसेस एंड ट्रीटमेंट्स कैरिड आउट ऑन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट आफ्टर इट इज हार्वेस्टेड। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर हार्वेस्ट एंड एंड्स विद द मार्केटिंग। द फॉलोइंग ऑपरेशन सच एज threshing, drying, storage, parboiling, milling, sorting, grading, oil extraction, juice extraction, ginning, cold storage, packing, transport, marketing, etc. included under this term. Parboiling rice में होती है और ginning आपकी cotton में। कॉटन में से जो है फाइबर्स को निकालना और सीड्स को अलग कर देना, इज द प्रोसेस नोन एज गिनिंग। द
तो थ्रेशिंग को डिस्कस करते हैं. व्हाट इज थ्रेशिंग? थ्रेशिंग इट इज द प्रोसेस ऑफ डिटैचिंग ग्रेन्स फ्रॉम द ईयर हेड्स और फ्रॉम द प्लांट एंड देन इट कैन बी अचीव्ड बाय थ्री मेथड्स, बाय रबिंग, इम्पैक्ट मेथड और स्ट्रिपिंग. थ्रेशिंग लूसेंस द ग्रेन एंड सेपरेट्स इट फ्रॉम द स्टॉक. देन देयर इज विनोइंग एंड स्पेसिफिकली द विंड विनोइंग is an agricultural operation or method developed by ancient cultures for separating grains from the chaff, जो grains के ऊपर जो भूसा लगा होता है उससे अलग करने के लिए. और जैसे हम कभी कभी गेहूं के साथ में जो भूसी आ जाती है, अब उसको किस तरह से अलग करना है, तो इसके लिए क्या है किया जाता है, इनको विंड विनोइंग जो है वो यूज़ करी जाती है. हवा के अगेंस्ट ग्रेन्स को हाइट से गिराया जाता है ताकि जो ज़्यादा वेट वाला मटेरियल है वो वहीं के वहीं गिर जाए और कम वेट वाला उड़ के दूर गिर जाए. इट इज़ ऑल्सो यूज टू रिमूव द वीवल्स और अदर पेस्ट फ्रॉम स्टोर्ड ग्रेन्स. थ्रेशिंग द सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स और सीड फ्रॉम द हस्क and straw, it is known as threshing and is the step in the chaff removal process that comes before winnowing. तो आपका harvesting, then threshing. threshing में आपने क्या किया, grain को remove किया plant से जो आपने cut किया है और उसको जो है उसका भूसा अलग किया. then उसके बाद में winnowing आती है. winnowing से आपने उस भूसे को और grain को separate कर लिया. and it is a common expression जिसमें हम कहते हैं winnowing the chaff. winnowing the chaff मतलब कि भूसे को उड़ा देना, भूसी उड़ाना जो है generally कहा जाता है. now let's discuss about the water resources. क्योंकि पानी कोई भी agricultural operation हो उसके लिए ज़रूरी है. खेती बिल्कुल नहीं हो सकती अगर पानी की availability नहीं है. और ऐसी कितनी ही ज़मीनें हैं जो कि cultivable नहीं है क्योंकि वहाँ पर पानी का level बहुत ज़्यादा कम है, पानी की availability नहीं है या soil poor है. तो इसीलिए इन वाटर रिसोर्सेज के बारे में जानना, ग्राउंड वाटर की इंफॉर्मेशन होना, नेचुरल रिसोर्सेज जो कि वाटर के हैं, वाटर सोर्सेज हैं जैसे कि वेल्स हैं, आपके एक्विफर्स हैं, आपके पॉन्ड्स हैं, कनाल्स हैं, रिवर्स हैं, ये सभी जो है वाटर सोर्सेज की तरह यूज़ किए जा सकते हैं. तो आइए जानते हैं ग्राउंड वाटर क्या होता है. ग्राउंड वाटर, इट इज़ दी अंडरग्राउंड वाटर दैट अकर्स इन द सैचुरेटेड जोन ऑफ वेरिएबल थिकनेस एंड डेप्थ बिलो द अर्थ सर्फेस. क्रैक्स एंड पोर्स इन द एग्जिस्टिंग रॉक्स एंड अनकंसोलिडेटेड क्रिस्टल लेयर्स मेक अप अ लार्ज अंडरग्राउंड रिजर्वायर वेयर पार्ट ऑफ प्रेसिपिटेशन इज स्टोर्ड.
Now to pump up this water which is underground, we need pumps. या फिर किसी हमने आर्टिफिशियल स्टोरेज बनाई है उसमें से पानी को लाने के लिए तो ग्रेविटेशनल फ्लो का यूज़ किया जाता है, नहीं तो पंप्स यूज होते हैं. ड्रिप इरिगेशन सिस्टम हो या फिर स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम हो, इन सभी में पंप्स का यूज़ होता है जो कि पानी को प्रेशर से एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाते हैं, ग्रेविटी के अगेंस्ट स्पेसिफिकली. The mechanical device, it is a mechanical device or arrangement by which water is caused to flow at increased pressure is known as a pump. The process of using a pump for this purpose is known as pumping. Irrigation pumps in general are driven either by engines or electric motors. Basically, the following four principles are involved in pumping water: atmospheric pressure, centrifugal force and positive displacement and movement of columns of fluid caused by the differences in specific gravity. Pumps are classified on the basis of mechanical principle of operation such as positive displacement pumps or variable displacement pumps. पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप्स को फर्दर दो क्लासेस में डिवाइड किया जा सकता है, रेसिप्रोकेटिंग पंप और रोटरी पंप. देन वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट पंप्स को क्लासिफाई किया जा सकता है इन सेंट्रीफ्यूजल पंप, टर्बाइन पंप, प्रोपेलर पंप, जेट पंप और एयरलिफ्ट पंप. टर्बाइन पंप को डीप वेल टर्बाइन और सबमर्सिबल पंप में डिवाइड कर सकते हैं. थैंक यू.